सुना है कोई अरब कंपनी खरीदेगी। अरबों के मारे पर बड़े आसान है, पहले ही हम पीटीसी उनको दे चुके हैं और बाकी भी कुछ खिदमत हो तो हम उसके लिए भी हाजिर हैं। लेकिन भाई थप्पड़ मारता बगैर किसी को मर्जी के मतलब के बगैर थप्पड़ भी किसी को मारता, आप जाके उनकी चौकीदारी भी करते हैं, बर्तन भी धोते हैं, सारा कुछ करते हैं, आप समझ रहे हैं कि वो शायद इस्लाम के इश्क में आपके साथ वो कर रहे हैं सारा कुछ कर। बस एक गलत धोखा लोगों को एक मिसअंडरस्टैंडिंग बनाएगी। आप जाके तो देखें सऊदी अरेबिया, आपको चल पता जाएगा कि आपका इस्लाम वहां पर कितने कितने फासले तक जाता है इस्लाम। जय हिंद दोस्तों, मैं मिंदर शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है दोस्तों। दोस्तों ये दिखाते हैं पाक मीडिया की कुछ लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे डिस्कशन किया जा रहा है कि पाकिस्तान दिन ब दिन डिफॉल्ट होता जा रहा है, और इस डिफॉल्ट की सिचुएशन में कहीं ना कहीं हमारे जो दोस्त मुल्क है वो कभी कहीं ना कहीं से आके हमारी हेल्प कर देंगे। ये पाकिस्तानी मीडिया सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंसी सऊदी अरब पे दिखा रहे हैं। तो दूसरी एक डिबेट हम आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें सऊदी अरब के लोग पाकिस्तानी लोगों को क्या समझते हैं, ये साजिद तरार ने सीधा सीधा बताया है। तो कहीं ना कहीं इनका जो दोहरा मापदंड है वो सीधा सामने आया। तो दोस्तों देखिए ये कंपैरिजन और डिबेट, और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों लोग तो पहले ही भाग रहे हैं भाई, लोग तो पैदल चल के इस्तंबुल जा रहे हैं, और इस्तंबुल से जो जो कश्ती निकलती है यूरोप की तरफ उसमें 70% पाकिस्तानी पैदल चल रहे हैं, क्वेटा से पिकअप ट्रकों पे पैदल निकल के जा रहे हैं। लोग तो पहले नकल मकानी कर रहे हैं, भाग रहे हैं यहां से। आपके लिए कोई नई चीज थोड़ी, भाग रहे हैं लोग। ये जो सऊदी अरेबिया जा रहे हैं लोग, आपका क्या ख्याल है ये वहां पे ऑफिस जॉब कर रहे हैं? सारे अनपढ़ हैं, यहां मजबूरियां जिनका कोई फ्यूचर नहीं, वो भाग भाग के जा रहे हैं। आप थर्ड क्लास इंसान आपको समझा जाता है ये? मैं इसका चश्मदीद गवाह हूं, मैं कई दफा उमरा करने गया हूं, जिस तरीके से वो आपको डील करते हैं सऊदीज और मिडल ईस्ट के हर मुल्क के अंदर, आजू आप आंखों से देखें तो आपकी चीखें निकल जाएंगी, वो आपको इंसान ही नहीं समझते। दुबई तक तो मैं एग्री करती हूँ, दुबई तो खैर मैंने देखा है, दुबई तक मैं एग्री करती हूँ। दुबई वाले तो दुबई वाले में बहुत सिविलाइज, आधे दुबई वाले तो उर्दू बोलते हैं भाई, आधे तो बलोची हैं उनमें। आपने सऊदी अरेबिया में नहीं देखा, दुबई में भी आपको वो समझते तो नहीं इंसान, मुझे पता है आपको वो रफीक मस्कीन लफज उन्होंने आपके लिए रखे हुए हैं कि रफीक हो, मस्कीन हो, गरीब हो, ये सऊदी अरेबिया में तो आपको वो इंसान नहीं समझते। और आप कहते हैं जी हमारे मुसलमान भाई हैं, हमारे मुसलमान हैं, वो जब से वहां पे तेल का पैसा आया वो अपने आप को समझते हैं वी आर अनटचेबल, हम खुदा के बाद हम हैं और ये दूसरी दुनिया सारी नीचे। आप लोगों के साथ तो वो मैं तो यहां देखता रहा हूं। मैं छोटा सा वाक्य आपको बताता हूं, आप हैरान हो जाएंगे। आरजू मेरी बच्ची जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, उसके साथ एक लड़की आई एमरट्स से पढ़ने के लिए, एमरट्स तो वो आई तो दोनों इकट्ठी पढ़ती थी। तो एक दिन वो मेरी दोनों एक दूसरे से सहेलियां भी थी, एक दिन वो कोई किसी एग्जाम में उसका मेरी बच्ची के नंबर अच्छे आ गए, मार्क्स अच्छे आए, तो वो लड़की जो अमराती लड़की थी रोना शुरू हो गई। वो कहती है ये किस तरह पॉसिबल है कि तुम पाकिस्तानी और तुम्हारे नंबर मेरे से ज्यादा हो गए। उसने कहा खुदा का नाम लो भाई, तुम कह रही हो पाकिस्तानी, मैं तो बॉर्न अमेरिकन हूं यहां। उसने कहा पाकिस्तानी तुम्हारे वहां घरों में ये कपड़े धोते हैं, तो सारा कुछ नौकर है हमारे, तुम्हारे नंबर मेरे से अच्छे किस तरह आ गए। उसने कहा यार खुदा का तुम कैसी बातें कर रही, आर यू आउट ऑफ योर माइंड, आई एम एन अमेरिकन, आई वाज बोर्न हियर, यस माय फादर केम फ्रॉम पाकिस्तान। इस तरह नफरत है पाकिस्तानियों से, इस तरह वो समझते हैं। तो ये वैसे कहते रहते हैं हमारे मुस्लिम ब्रादर, ओ यार वो पैसे आपको दे देते हैं गरीब आदमी समझ के, बल्कि गरीब आदमी भी समझ के नहीं देते। आपकी फौज जो बैठी है सारी सऊदी अरेबिया में जाके, रहील शरीफ साहब कहां बैठे हैं? बिल्कुल, तो आपको ऐसे तो नहीं पैसे दे देते आप, क्या ख्याल है? भाई थप्पड़ नहीं मारता बगैर किसी को मर्जी के मतलब के बगैर, थप्पड़ नहीं किसी को मारता। आप जाके उनकी चौकीदारी भी करते हैं, बर्तन भी धोते हैं, सारा कुछ करते हैं, आप समझ रहे हैं कि वो शायद इस्लाम के इश्क में आपके साथ वो कर रहे हैं सारा कुछ कर। बस एक गलत धोखा लोगों को एक मिसअंडरस्टैंडिंग बनाएगी। आप जाके तो देखें सऊदी अरेबिया, आपको चल पता जाएगा कि आपका इस्लाम वहां पर कितने कितने फासले तक जाता है इस्लाम। बिल्कुल सर, लेकिन सर कि जितनी माशी तबाही हुई है वो कुछ 3.5 साल में हुई है पिछले, जो हमारा जो कहानी है। मगर सवाल ये है कि मैं आपको दो तीन बड़ी अहम बातें मैं आपको एक अहम बात बताऊं। इस वक्त आज
मैंने एक खबर देखी है कि जो हमारे लोकल ऑयल के रिजर्व्स हैं, जो मकामी तौर पर, जिस पर हमने कभी री इन्वेस्ट नहीं किया, उनमें तकरीबन 80% वो हम इस्तेमाल कर चुके हैं। जो हम मकामी गैस, बेशुमार हमने गैस इस्तेमाल की, और वो पता नहीं बलूचिस्तान को उसका फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, वो तो लकड़ियाँ जो उनकी गुजारा करते रहे, उसकी 66.6% हम उसका इस्तेमाल कर चुके हैं और टोटली रिलायंट हैं हम बाहर पे। इसके साथ अभी हमने आपको बताया था कि ये PTI की फिगर्स हैं, वो ऊपर नीचे हो सकती हैं, मगर जाहिर है हमारी टेक्सटाइल को बहुत बड़ी हिट आई है, उसमें लाखों लोग बेरोज़गार हुए हैं, अगर मैं एग्जैक्ट ना भी कहूँ। और उसके बाद कोई 60,000 लोग, ऑटो इंडस्ट्री जो हमारी है, जो कि इंडस्ट्री में इंडस्ट्री कोई नहीं है, फ्रॉड वारदात, ये वारदात हुई बेखौफनाक बड़ी, कि यहाँ हमने पुर्जे मंगा के उनको इकट्ठा करके उसे इंडस्ट्री का नाम दे रखा था, उसकी फरोख्त में भी 39% कमी आ गई है। अच्छा, अब ये हमारे मामलात हैं। तो अभी आप थोड़ी देर पहले आप बात कर चुके हैं कि 16-17 बिलियन डॉलर से हम कुछ 6.9 या 7 बिलियन डॉलर पर आ चुके हैं। बिल्कुल, मैं कहता हूँ इसहाक डार साहब ठीक कहते हैं, अल्लाह कभी ना करे कि हम डिफ़ॉल्ट हों या किसी ऐसी पोजीशन में जाएं या इंटरनेशनली डिक्लेयर ना हो जाएं, मगर ये जो हमारा समाजी शोभा है, बड़ी साहब इज्जत कख नहीं, मतलब क्या क्या कुछ सोच है आपको लगता है कि इसको ठीक करने के लिए? सरकारी साहब, रोज़ बरोज़ गैस और बिजली की लोड शेडिंग और बढ़ती हुई कीमतों की वजह से करोड़ों लोग बेरोज़गार हो चुके हैं। फैसलाबाद इंडस्ट्री कोई 70-60% कुछ लोग कहते हैं बंद हो गई। गुजारिश ये है कि मेडिसिन जो ज़िंदगी बचाने के लिए, ज़िंदगी तो अल्लाह देता है, चीन और आपके भारत से आता था, भारत ने आपकी LC खोलने से इनकार कर दिया कि आप डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं, डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं, नहीं हुए, अल्लाह करे इस आगदार सब सही कहते हैं, लेकिन डिफ़ॉल्ट होने के करीब नहीं है। तो जब से ये कहते हैं, आप कहते हैं उन्होंने रियासत बचाई, क्या जब से ये आए हैं पाकिस्तान के रिज़र्व बढ़े, पाकिस्तान के कर्जे कम हुए, क्या आम आदमी कूते खरीद बढ़ी, क्या बिजली की कीमतों में कमी हुई, क्या पेट्रोल की कीमतों में कमी हुई, क्या ग्रॉसरी जो महीने की लाते हैं कमी हुई? काजी साहब, किस उस मुल्क में एक तरक्की की है जो हम ऐसे ही मुल्क हुकूमत की, हमें बिला वजह तनकीद भी नहीं करनी चाहिए, करप्शन और कमीशन माफिया ने लातदा तरक्की की है इन महीनों में, इन सालों में, आसमान कुछ हो गया और करप्शन 95% लीगल हो चुकी है। आप डोमिसाइल नहीं बना सकते, आप अपना एक बावड़ा से मीटर नहीं लगवा सकते, करप्शन ने बहुत तरक्की किया। अगर याद रख लें, अवाम या अशराफिया, दोनों में से एक तरक्की करता है। अशराफिया कैसा कीमियाई नुस्खा है, सलमान शहबाज साहब $10,000 में 4 साल गुजारा है फैमिली के साथ, उसमें गालबन वो दूसरे मुल्क में एक दफ़ा उनके वाला साहब सऊदी अरब गए थे, इधर की अदालतों के मुताबिक इश्तियारी थे, बादशाह और तुर्की के हुक्मरानों के साथ बैठे थे। 10,000 यहाँ तो इन्हें हमें भी वो $10,000 दे दे जो 10 सदियाँ ख़त्म ना हो और मैं जितना खर्च करूँ बढ़ता जाए। कादी साहब मुझे बताया ना, सवाए करप्शन के, कमीशन के, कौन सी इंडस्ट्री चल रही है? 70% ज़रात है, आप सब्जियाँ बाहर से मंगा रहे हैं, मेडिसिन मंगाने के लिए LC नहीं है, पेट्रोल आपके पास है नहीं, गैस आपके पास है नहीं, रोजगार आपके पास है नहीं, अस्पतालों के पास फंड नहीं है, स्कूल के पास फंड नहीं है। अच्छा, मेरे दो चीजें सुनवानी है भट्टी साहब, एक साथ रफीक साहब का शॉट है, एक साथ डार साहब का, इकट्ठे चला देंगे। क्या आपने काबल लोगों का जी बड़ा सुने, जिम्मेदार मेरे जिम्मेदारों की जो हालत है वो आप मुझसे पूछे या मजदूरों से पूछे, पेंशन के पैसे नहीं, तनख्वाह के पैसे नहीं, की आप जाइए, कोई 2-3 दफा तो वजीर रह चुके हैं और वे रेलवे की रहे हैं। उन्होंने कहा मजदूरों से पूछे पेंशन के पैसे नहीं, क्या इनकी अपनी माली हालत देखी आज से 30 साल पहले? अगर इन्होंने तरक्की की है, अच्छे तरीके से की है, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मजदूर हो, कम आमदन वाला हो, वो किसी भी शोबे से, वो हर दौर में पिसा है, वो तो गन्ने की मशीन में रो नहीं निकालते, आप हर इंसान को बार बार उसमें डालते हैं। एक बंदा जिसकी 30,000 है, उसने एक फोन मोबाइल कार्ड लेना है, उसमें भी 35 रुपये कट रहे हैं, और जो अरबपति है उसमें भी कट रहे हैं, उसको भी बिजली का यूनिट 40 रुपये पड़ रहा है, और जो खरबपति आदमी है उसको भी पड़ रहा है। हाँ, आपने वाकई मजदूरों को तबाह कर दिया। नहीं, ये इनकी हालत बताए ना, क्या इनकी इकॉनमी कम हुई? वो हो छोड़े, ये रिश्ता महफूस होता है जब अवाम और मुल्क जो है वो उनके बेड़े गर्क होते हैं, तो इशराफिया फुलती फूलती है। ये कोई नई, मैं कोई नई बात नहीं कर रहा। हाँ,
अब ये है कि अब हमारे पास कुछ कीमती चीज़ें हैं। एक सुना है वाशिंगटन डीसी में भी हमारे पास सफारतखाना है, उसका मुझे नहीं पता कि 30 नवंबर को कह रहे हैं कि काबीना में हुआ था। अब एक खबर है, हमें हुकूमत चाहे तो उसको हमें इस पर गाइड भी कर सकती है उसको। बेचारी साहब, सफारतखानों को सैलरी देने के पैसे नहीं है। सैलरी मैं सिर्फ एक गुजारिश करता हूँ, जब मैं फिर भी आपका रियासत आया था मेरे कितने सासे थे वो चेक करें, आज कितने। और जितने पॉलिटिशियन या ब्यूरोक्रेट कोई भी है, जब ये इस प्रोफेशन में आए थे कितनी इनकम सासे थे, आज कितनी। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बेनामी अकाउंट भी शामिल करें जो बाहर भी लेके गए। अगर मुल्क बचाना है, अगर सियासत बचानी है और केस बचाने हैं, तो फिर गरीब आदमी गन्ने की अच्छा, रूस बेल्ट भी जो है एक बड़ा 800-900 मिलियन डॉलर का, इससे ज्यादा ही होगा वो हमारा एक 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 800-900 बिलियन के करीब है। वो भी सुना है कोई अरब कंपनी खरीदेगी। अरबों के हमारे पर बड़े आसान है, पहले ही हम पीटीसी उनको दे चुके हैं और बाकी भी कुछ खिदमत हो तो हम उसके लिए भी हाजिर हैं। लेकिन बड्डी साहब बात यह है कि ये क्या हम तो साहब ये जो आजाद शुमार दे रहे हैं पाकिस्तान अद्वियात के लिए 95% खाम माल चीन और भारत से इम्पोर्ट करता है। बैंकों ने एलसी खोलने की वजह से अद्वियात का बहरान दस्तक। अब मैं आपको अंदर की खबर बताएं क्या होगा, अंदर की खबर बताऊं। मैंने इंडस्ट्री के एक बहुत नहीं एक आदमी से पूछा, ये अमीर लोग बाहर इलाज कराने चले जाएंगे। मैं 99% पाकिस्तानी को कह रहा हूं जीना बनना यहां है। मैं आपको खबर दे रहा हूं कि इन्होंने यहां पर इंडस्ट्री क्यों नहीं लगाई फार्मास्यूटिकल की। ये बाहर से रॉ मटेरियल मंगवाते थे और ओवर इन्वेस्टिंग करते थे, यहां पे इसलिए इन्वेस्टमेंट नहीं किया और इसकी इजाजत दे रखी थी हमारी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने। मैंने बहुत अंदर के आदमी का, मैं उनकी इजाजत के बगैर नाम नहीं ले सकता, जो फार्मास्यूटिकल का बहुत बड़ा आलमी